ये देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 31 है। तो ये सिंपलीफाई करने के लिए देखें, एच ऑफ टी की वैल्यू दी गई है कॉट टी, और फर्स्ट इंटरवल दिया गया और एक सेकंड इंटरवल दिया गया। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट इंटरवल ए को सिंपलीफाई करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो इंटरवल दिया गया मैं वो लिखता हूँ कि देखें, अब हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास टी वन है और ये हमारे पास टी टू है। तो देखें, एच ऑफ टी दिया गया है हमारे पास कॉट टी के। अगर मैं इस टी को कह दूँ टी वन, तो अगर मैं उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि एच ऑफ टी वन इज़ इक्वल टू, देखें ये मेरे पास कॉट है और ये इसमें कहता हूँ कि ये टी वन है, और देखें कॉट टी वन की वैल्यू देखें हमारे पास पाई बाई फोर दी गई है। सिंपलीफाई करने के बाद देखें, कॉट पाई बाई फोर को मैं लिख सकता हूँ 1/10π/4, और देखें 1/10π/4 मेरे पास 1 की इक्वल होता है, तो आंसर मेरे पास बनेगा 1। सेम इसी मेथड से अगर मैं देखें यहाँ एच ऑफ टी की जगह 2 लिख दूँ, यानी कि टी टू लिख दूँ, तो सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ कॉट इस टी की जगह भी मुझे लिखना पड़ेगा टी टू। तो कॉट देखें टी टू की वैल्यू हमने फाइंड किया वो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 3π/4। तो सिंपलीफाई करने के बाद देखें 1 cot 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 3π/4। बेसिकली 3π/4 135 के इक्वल होता है, तो वो मेरे पास -1 के इक्वल होता है, आंसर मेरे पास बनेगा -1। अब हमारे पास देखें फार्मूला होता है, कि मैं वो फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि देख डेल्टा एच डिवाइड बाई, देखें अब हमारे पास जो फंक्शन है वो टी में है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, देखें अब हमारे पास फंक्शन क्योंकि एच में है, तो मैं फार्मूला जो बनेगा वो एच में बनेगा, एच ऑफ टी टू माइनस एच ऑफ टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन के। अब वैल्यूज़ को प्रूव करें, देखें एच ऑफ टी टू की वैल्यू हमने फाइंड किया वो -1 के इक्वल है, माइनस एच ऑफ टी वन की वैल्यू हमने फाइंड किया वो 1 के इक्वल है। सिंपलीफाई करने के बाद देखें नीचे एच टी टू माइनस टी वन है, टी टू की वैल्यू देखें हमारे पास 3π/4 है, 3π/4 माइनस टी वन की वैल्यू हमारे पास पाई बाई फोर है। तो इसको सिंपलीफाई करने देखें ऊपर हमारे पास बनेगा -2 डिवाइडेड बाई, देखें ये हमारे 3 3 में से जब एक को सेपरेट करेंगे तो 2π/4 बनेगा आंसर। अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, देखें ये हमारे पास बनेगा नीचे पाई बाई टू, टू को जब ऊपर लिखेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई पाई के, तो ये हमारे पास आंसर है। अब सेम इसी मेथड से देखें, ये पार्ट ए को सोल्व किया, सेम इसी मेथड से पार्ट बी को सोल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट बी है। तो सिंपलीफाई करने के बाद देखें, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि सोल्यूशन, इसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास टी वन है, इसे मैं कहता हूँ कि ये टी टू है। अब मुझे जो क्वेश्चन गिवन था एच ऑफ टी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमारे पास कॉट टी थी। तो देखिए मैं लिखता हूँ, अगर मैं इस टी को मैं मुझे वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले टी वन की, तो मैं इस टी को रिप्लेस करके टी की जगह लिखता हूँ टी वन इज़ इक्वल टू, इस कॉट टी की जगह लिखता हूँ टी वन। तो देखें कॉट टी वन की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो पाई बाई सिक्स है, सेकेंड इंटरवल हमने लेना है। तो इसमें से मैं लिख सकता हूँ 1/10π/6। तो देखें 1/10π/6 की वैल्यू हमारे पास 1/3√ के इक्वल होती है, तो इसका आंसर हमारे पास 3√ के बनेगा। सेम एच ऑफ, अब टी की जगह देखें टी को रिप्लेस करें टी टू से, तो इस में देखें ये हमारे पास कॉट है और इस टी की जगह मैं लिखता हूँ टी टू, और कॉट को मैं वैसे लिख देता हूँ कि टी टी टू की वैल्यू ये हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो पाई बाई टू है। अब मैं इसे देखें कॉट है, इसमें लिख देता हूँ 1/10π/2। अब देखें 1/10π/2 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जवाब 0 होता है। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले देखें दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, देखें एफ ओ फंक्शन क्योंकि एफ में एच में है, तो मैं लिखता हूँ कि एच ऑफ टी टू माइनस एच ऑफ टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन के। वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ, देखें एच ऑफ टी टू की वैल्यू मैंने फाइंड किया वो 0, माइनस एच ऑफ टी वन की वैल्यू मैंने फाइंड किया वो 3√ के इक्वल है। देखें डिवाइडेड बाई टी टू, टी टू की वैल्यू हमारे पास ये देखें पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू माइनस, और टी वन की वैल्यू देखें पाई बाई सिक्स है। तो मज़ीद आगे सिंपलीफाई करेंगे तो डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, देखें ऊपर हमारे पास बनेगा माइनस का 3√, -3√ डिवाइडेड बाई, देखें इसका एलसीएम, इसको मैं इन दोनों का मुझे क्या करना है कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए देखें नीचे हमारे पास बनेगा 6 2 3 6, यानी कि 3π माइनस पाई तो डिवाइडेड बाई सिक्स। मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो -3√ डिवाइडेड बाई, देखें ऊपर हमारे पास बनेगा 2π/6, तो देखें 2 3 6, तो -3√ डिवाइडेड बाई पाई बाई 3 के। आगे देखें डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, देखें इस 3 को ऊपर लिखेंगे तो -3 × 3√ डिवाइडेड बाई पाई के जी, ये हमारे पास आंसर बनेगा।
एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 32 है। तो सिंपलीफाई करने के लिए देखें, जी ऑफ टी की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस cos t, और एक फर्स्ट इंटरवल दिया गया और एक सेकंड इंटरवल दिया गया। तो हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट इंटरवल को सॉल्व करने के लिए देखें, अब हमारे पास फंक्शन जो है एक्स में नहीं है बल्कि टी में है, तो इसी वजह से इसे मैं कहूँगा कि यह t1 है और इसे मैं कहूँगा कि यह t2 है। तो इसे मैं लिखता हूँ कि यहाँ सोल्यूशन, सबसे पहले जी ऑफ टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि जी ऑफ टी हमारे पास गिवन है 2 प्लस cos t के। तो अब देखें, हमने टी को रिप्लेस करके सबसे पहले टी वन की वैल्यू फाइंड करनी है। जी ऑफ टी को मैं रिप्लेस करके लिखता हूँ टी वन 2 प्लस cos t1। अब देखें, 2 प्लस देखें cos t1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 2 प्लस देखें cos 0 कौन सा हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कौन सा हमारे पास बनता है 3। सेम इसी मेथड से देखें, जी ऑफ टी टू टी को रिप्लेस करके अब मैं टी की जगह लिखता हूँ टी टू के। अब देखें, ये हमारे पास 2 दिया गया है प्लस cos t को रिप्लेस करके, क्योंकि t की जगह लिखना है 2, इसी वजह से 2 प्लस cos t2 की वैल्यू देखें हमारे पास दी गई है पाई। अब हम जानते हैं कि ये 2 है, cos पाई हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो आंसर हमारे पास बनता है 1। अब हमारे पास फार्मूला है के, अब हमारे पास देखें जी फंक्शन किस में है, जी में। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी के। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो डेल्टा जी और डेल्टा टी में बनेगा, क्योंकि हमारे पास देखें ये टी है। तो उसके लिए देखें, मैं फार्मूले में लिखता हूँ कि जी ऑफ टी टू बनेगा फार्मूला माइनस जी ऑफ टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। तो सिंपलीफाई करने के लिए देखें, जी ऑफ टी टू की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 माइनस जी ऑफ टी वन, ये देखें ये जी ऑफ टी वन, उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाई टी टू माइनस वन टी वन। तो देखें, ये हमारे पास टी टू है और ये माइनस वन है, तो हमारे पास बनेगा पाई माइनस जीरो। तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास बनेगा -2 डिवाइडेड बाई पाई के। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का आंसर आ चुका है -2 डिवाइडेड बाई पाई के। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट बी है। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें, अब मैं इसे कहूँगा कि ये हमारे पास टी वन है और इसे कहूँगा कि ये टी टू है, क्योंकि अब हमारे पास जो वेरिएबल था वो टी में था, तो इसी वजह से इसे मैंने कहा टी वन और इसे मैंने कहा टी टू। सिंपलीफाई करने के लिए मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो जो ऊपर जो क्वेश्चन गिवन था फंक्शन, वो मैं लिख देता हूँ कि जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 2 प्लस cos t के। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले टी वन की वैल्यू चाहिए, तो इसमें जी को वैसे लिखता हूँ, इस टी को रिप्लेस करके टी वन कहता हूँ 2 प्लस cos, अब इस टी को रिप्लेस करके टी वन लिखता हूँ। तो देखें, 2 प्लस cos t1 की वैल्यू देखें हमारे पास गिवन है, टी वन की वैल्यू वो माइनस का पाई है। अगर cos के साथ माइनस आ जाए तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये cos पाई है, यानी कि 2 माइनस 1 आंसर हमारे बनेगा 1 के। तो देखिए, cos पाई की वैल्यू -1 के इक्वल होती है ना, तो इसी वजह से इसका आंसर बनेगा 1। सेम अगर मैं टी को रिप्लेस करके मुझे वैल्यू चाहिए टी टू की, तो टी को रिप्लेस करके मुझे लिखना पड़ेगा टी टू। अब 2 प्लस यहाँ देखें कि ये cos है और ये हमारे पास टी है। अब टी को तो हम कह रहे हैं टी टू, तो इसी वजह से टी टू लिखना पड़ेगा, 2 प्लस cos t2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है पाई, तो इसका आंसर बनेगा 2 माइनस 1, तो आंसर इसका बनेगा 1। तो cos पाई की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल होती है ना, तो इसी वजह से देखें, अब हमारे पास फार्मूला होता है कि देखिए, अब हमारे पास फंक्शन जी में है, तो इसी वजह से डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा, अब हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, देखें अगर नीचे कभी कुछ क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स होता है, अब कुछ क्वेश्चन में देखें वेरिएबल टी है, तो मैं लिख देता हूँ कि टी इज इक्वल टू, अब देखें जी ऑफ टी टू माइनस जी ऑफ टी वन फार्मूला बनेगा डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें, जी ऑफ टी टू, टी टू की वैल्यू जो जी टू की वैल्यू 1 हमने फाइंड की है, और मैंने जी ऑफ टी वन की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। तो टी टू की वैल्यू देखें पाई है, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया पाई, तो आंसर हमारे पास बनेगा 0/2 पाई। सिंपलीफाई करने के बाद आंसर हमारे पास बनेगा 0। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर है 0।